हेलो नहीं, मुझे आपको बोलना चाहिए बोनजूर। हट जाओ यहाँ से, जाम मत करो प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ। तो चलो शुरू करते हैं खाना। लग रहा है कि यहाँ पर नीचे उतर के स्विमिंग करूँ। एक्चुअली नीस में जो आए हैं हम लोग घूमने, वो एक्चुअली यहाँ पर आके मतलब समझ में आता है। वेलकम बैक टू द लास्ट लाइव चैनल। एंड आज बेसिकली डे 3 इन नीस फ्रांस में। एंड ये ड्रेसअप कर लिया, ये जारा का सेट है, कोट से बोल सकते हैं। एंड ये ऑलिव ग्रीन कलर है एंड इसके साथ में कॉन्ट्रास्टिंग होता है ना स्टैक नेकलेस एंड यू नो ये बैग भी कॉन्ट्रास्टिंग ले रही हूँ, पिंक गोज विद वेल विद ग्रीन। एंड आज सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट कर लिया, जल्दी उठ गए थे 8 बजे। आज नहाए नहीं, आज बिना नहा के जा रहे हैं रेडी होके ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि हर दिन मैं देख रही हूँ नहाने के बाद ना बहुत टाइम लगता है, एक ही बाथरूम में एक ही मतलब शावर एरिया है ना, तो तीनों को टाइम लगता है एक ही बाथरूम में। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि हम लोग घूम के आ जाए, फिर आके दोपहर तक नहा के वो लंच करेंगे होटल में। एंड तभी तक आज आप लोग को दिखाएंगे कैथीड्रल, आज हम लोग देखेंगे कैथीड्रल, यहाँ पर फेमस है नीज में। एंड तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू ये ब्लॉग शुरू करते हैं। एंड आई होप आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा आज ब्लॉग। आज बहुत धूप निकला है, कल मैं देखी थी कल धूप चला गया था अचानक से शाम में। एंड ये मैं सोच रही हूँ कि ये हैट भी लूंगी, रख लूंगी अपने साथ एंड धूप से बचा लेगा। मैं दिखाना चाहती हूँ मेरा आउटफिट, ये देखिए ये जो स्कार्फ देख रहे हैं ना, ये बहुत मतलब रेनाउंड एंड बहुत फेमस पेंटिंग है एंड इट्स अ डच पेंटिंग। एंड ये मैं लिया था पेरिस से, बहुत 3 यूरो मतलब इंडियन मनी में 300 रुपये, 300 रुपये इज क्वाइट चीपर, ये स्कार्फ मिल गया था। एंड ये बहुत सुंदर है ना स्कार्फ, इज पेंटिंग इज फेमस, ए गर्ल विथ पर्ल इयररिंग्स एंड बहुत फेमस। ये आप लोग गूगल में देखोगे तो ये आप लोगों को पेंटिंग दिख जाएगा, डच पेंटिंग। तो चलिए अभी निकलते हैं बाहर एंड बाहर जाके आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करते हैं। अभी देखिए राइली एकदम जाना नहीं चाहती थी, आज बोल रही कि कोई भी बहाना ढूंढ रही है कि नहीं घर होटल में रह जाते हैं, ये पार्क में चलो ये चलो, अभी तैयार होके अभी आईपैड देख रही है। देखिए कितना सुंदर बढ़िया पार्क है, बहुत पीसफुल है एंड बीच में फाउंटेन भी है, बहुत सुंदर लगा मुझे। हम एलिस लोरेन स्टेशन से निकल के अभी कैथीड्रल जा रहे हैं, जो यहाँ का नीस का फेमस कैथीड्रल है। तो चलिए वहाँ पर जाके आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कैसे देखने में है कैथीड्रल, होपफुली अच्छा होगा। तो हम लोग ये फेमस कैथीड्रल के सामने आ गए हैं, कैथीड्रल ऑफ रूसे, आप लोग को इस वीडियो में दे दूंगी जो डिटेल्स है इस कैथीड्रल के बारे में। एंड सामने बहुत अच्छा लग रहा है बिल्डिंग, आप लोग को एक सेकंड दिखा रही हूँ। तो ये देखिए सुंदर मज़ेदार कैथीड्रल, यहाँ के सामने फोटो खींचेंगे एंड अच्छा बहुत सुंदर सुंदर है ना रजत, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। सुंदर है ना सच में, मतलब रियल लाइफ में जितना पता नहीं आप लोगों को कैसे लग रहा है, लेकिन रियल लाइफ में बहुत सुंदर है, बहुत कलरफुल है ना, बहुत टेक्सचर द डिटेल बहुत सुंदर है। यहाँ पर फोटो खींचेंगे अभी, चलो इस साइड से ये फोटो खींचो, चलो ये जो कैथीड्रल है सेंट दी निकोलस दी नीस, ये बेसिकली वन ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट इन नीस एंड इसका डिटेलिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत स्पेशल था एंड बहुत सुंदर था, थोड़ा सा यूनिक ही था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप लोग नीज में आ रहे घूमने के लिए, ये इस जगह में मतलब ये इस कैथीड्रल में ज़रूर से विजिट करें। ये कैथीड्रल बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसके अंदर आप जाइएगा तो यूरो लगेगा, 5 यूरो करके। म्यूजियम भी है नीचे,
तो हम लोग सोच रहे म्यूजियम अंदर जाके थोड़ा सा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम लोग कोई और जगह डेस्टिनेशन में जाएंगे, लैंडमार्क अच्छा मतलब स्टोरी स्पॉट में जाएंगे। हम लोग यहाँ पर ऑरिक अट्रैक्शन के सामने आ गए हैं, मैं डिटेल दे दूंगी स्क्रीन में, लेकिन ये सामने ही बाजार बैठा है ना और पीछे थोड़ा सा कैरोसेल भी है बच्चे लोग का। एंड चलिए यहाँ पर मैप देख के आना पड़ा डिरेक्शन, क्योंकि हम लोग को तो पता नहीं है क्या कैसे नया शहर नया कंट्री। एंड सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आके ना थोड़ा सा इंडिया का फील दे रहा है सच में, सच बताओ। स्पेसिफिकली जब रेड सिग्नल हो रहा है पेडिस्ट्रियन के लिए हम लोग तो खड़े हैं, लेकिन जब ग्रीन सिग्नल दे रहे तब तो हम लोग ही जाएंगे ना, वॉक करेंगे टूवर्ड्स यू नो क्रॉस करेंगे, लेकिन उस समय ना मैं देख रही हूँ गाड़ी मतलब सिग्नल तोड़ के हम लोग के मतलब हम लोग क्रॉस कर रही, उसके साथ साथ गाड़ी भी आएगी। तो ये देखकर वन पॉइंट इंडिया का जैसा मुझे याद दिलाया। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर गाड़ी जो होता है ना जो क्रॉसिंग होता है पेडिस्ट्रियन का क्रॉसिंग पर, क्रॉसिंग जो होता है क्रॉसिंग के ठीक सामने गाड़ी पार्क किया है, तो जो भी है यहाँ पर वैसा ही है, कोई सिग्नल मानता नहीं। एंड तो चलिए यहाँ पर क्या सामने वीडियो ले लेंगे फोटो ले लेंगे जो है अट्रैक्शन, और आप लोग भी देखते रहिए। तो ये बिल्डिंग है पर मार्केट बैठा है, तो ऐसा ही देख लीजिए आप लोग मार्केट। तो अभी रायली खड़ी है यहाँ पर, ये कैरोसेल में उठेगी। रायली विच वन विल यू टेक, शो मी बाइक। ओ रायली बाइक में उठेगी, बाइक राइड लेगी। हम लोग थोड़ा सा मील ब्रेक ले रहे हैं अभी, मैकडोनल्ड का मील ब्रेक। एंड अभी मील ब्रेक लेकर हम लोग जाएंगे, कहाँ जाओगे रजत बताओ? हम लोग जाएंगे पोर्ट ओलंपिया। आज तो ये मेरा सेकंड आउटफिट ऑफ द डे है, ये ड्रेस चेंज कर लिया, ये रिवर आइलैंड का है एंड बैग एक जैसा लूंगी। एंड अभी जाएंगे घूमने, अभी रायली का मील ब्रेक लेने के बाद हम लोग घूमने जाएंगे, और आप लोग देखते रहिए। तो ये कैथीड्रल जो देख रहे नॉर्टे डेम दी नीस, इस कैथीड्रल ये एकदम मैकडोनल्ड के आसपास ही था, सिटी सेंटर के पास बोल सकते हैं, मेन जो शॉपिंग सेंटर है उसके पास ही था ये कैथीड्रल। बहुत अच्छा लगा, शॉपिंग स्ट्रीट एंड फूड खाना रेस्टोरेंट वगैरह है, एंड बहुत सारा टूरिस्ट भी घूम रहा है मैं देख रही हूँ। एंड अभी फ़ोटो भी लिए एंड फोर नॉर्टे डेम जो बेसिलिका है, एंड अभी ट्राम पकड़ेंगे ट्राम पकड़ के वो नीज नाइस का जो है ना मेन अट्रैक्शन वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर कल गए। निकल के जो जगह कल आए थे आज वो उसी जगह में आ गए, क्योंकि बहुत सारा फोटो वीडियो लेना जो है ना। हाँ। बहुत सुंदर है जगह, ऊपर से ज्यादा अच्छा लगता है।
लेकिन हम लोग नीचे से जाएंगे एंड उसी जगह में आप कवर करेंगे। आई लव आइस, वहाँ उसके सामने तो फोटो खींचना ही बनता है ना। हम लोग सोच रहे हैं कि नाइस में घूमने तो आए हैं, फ्रांस के नाइस में फर्स्ट टाइम ही आए हैं नीस में घूमने, लेकिन सोविनियर आइटम में सोविनियर शॉप एक बार देखी नहीं हूँ, तो देखते हैं कहीं सोविनियर शॉप मिलते तो थोड़ा सा होता है ना, जहाँ पर हम लोग घूमते पहली बार जाते तो वहाँ से सोविनियर आइटम तो हम लोग कलेक्ट करते ही करते, ये तो हम लोग का हॉबीज़ है एंड वन ऑफ इट वन ऑफ द हॉबीज़। एंड तो चलिए अभी सामने आप लोग को व्यू दिखा रही हूँ जो हम लोग देखेंगे। ये व्यू जो है ना मेस्मराइजिंग व्यू है, मुझे लग रहा है मैं यहाँ पर ही रह जाऊँ। यहाँ पर कुछ बंदोबस्त करो रजत, रजत को बहुत अच्छा लग रहा है सीके पहन के खड़ा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक दे देख रही हूँ एक आदमी मेरे फोटो ले रहा है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा एक रेस्टोरेंट में जाएंगे, राजा नाम है, एंड थोड़ा सा ब्रेक लेंगे वहाँ पर। एंड तो चलिए आप लोग को भी आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। एंड व्यू बहुत अच्छा है, हम लोग यहाँ पर आज थोड़ा सा वॉक बिताएंगे एंड फिर मन है तो फिर शायद शाम के टाइम में होटल वापस लौटेंगे, ऐसा ही प्लान है, देखते हैं जो भी प्लान बनता है आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो ये रेस्टोरेंट है ली राजा करके, देखते हैं इंडियन भी लिखा है। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तीनों, तो मेनू सिलेक्ट कर रहे हैं क्या क्या लेंगे एंड कुछ बढ़िया तो ऑर्डर कर रहे हैं। रायली प्लेन राइस एंड लेंटिल्स खाएगी यहाँ पर है, एंड हम लोग खाएंगे चिकन टिक्का मसाला, उसके साथ खाएंगे नान बटर नान। एंड रायली क्या देख रही, व्हाट आर यू लुकिंग रायली? हम लोग ये ले रेस्टोरेंट दुकान रेस्टोरेंट में आए हैं, इंडियन लिखा है रेस्टोरेंट, एंड यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इंडियन खाएंगे, नीस में आके इंडियन खाएंगे। एंड हम लोग ऑर्डर किए जो ऑर्डर किए अभी होपफुली वो आ जाएगा। एंड ये लोग पूछने गया है कि हम लोग क्या खाएंगे, स्पाइसी या फिर बोला फुल स्पाइसी, रायल खाती है ना तो अभी रायल खा नहीं पाए, तो जो भी हम नॉर्मल स्पाइस लेकर हम लोग खाएंगे। चिकन टिक्का के साथ थोड़ा सा डाइट को, एंड ये है प्लेन राइस, प्लेन राइस, ये बटर नान। तो चलो शुरू करते हैं खाना। ये मैं बोलना चाहती हूँ जो ले राजा रेस्टोरेंट है इसका जो इंडियन डेलिकेसी जो खाना है एक्चुअल में बहुत टेस्टी है, इतना हम लोग खाए डेफिनेटली, मतलब लिवरपूल में भी वैसा इतना अच्छा खाना नहीं है इंडियन का, लेकिन यहाँ पर डेलिकेसी बहुत अच्छा है, स्पेशली जो चिकन टिक्का मसाला एंड राइस भी बहुत अच्छा है, प्लेन राइस। तो चलिए खा लेते हैं फिर कहीं और जगह घूमेंगे यहाँ पर। रायली देखिए रेस्टोरेंट से निकल के भाग रही है, उसको एनर्जी मिल गई है जल्द, जैसे इंडियन मैजिक है ना। इस जगह पे फिर चले आए, ये जगह हम लोग को छोड़ नहीं रहा है देख रही हूँ। कल हम लोगों ने अच्छे से फोटो नहीं खींचा था ना, तो इसलिए आज हम लोग दोबारा फोटो खींचने आए। हाँ मेरे अच्छे से लेना। और रायली तो एकदम बिंदास बैठी रहती है, उसको फोटो लो या ना लो उसको कोई फर्क नहीं, फर्क पड़ती नहीं है। उन्होंने देखिए क्या कर रही है, क्या कर रहे हो तुम दोनों? पानी, पानी ऐसे जैसे लग रहे तुम लोग जाम करने वाले हो।
हट जाओ यहाँ से, जाम मत करो प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ। फैमिली ड्रामा चल रहा है। शार्क इज देयर, लॉट ऑफ शार्क। एक बात बोलना चाहती हूँ, राहली जब भी सी देखती है ना, उसको ये मन में ख्याल आती है कि है ना शार्क होगा सी बीच में, मतलब शार्क होगा। ये व्यू देख कितना बढ़िया है ना, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। देखते हैं कि आप लोग के साथ भी बात कर रहे हैं। मतलब ये मेमोरियल भी बोल सकते हैं, स्टैचू भी बोल सकते हैं, जो भी है, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर वन में ये हुआ था, मतलब ये मेमोरियल हिसाब से ये अच्छा देखने में ना सुंदर है। सबके सामने ये टूरिस्ट एक्चुअली अट्रैक्शन है नीज का, क्योंकि सब लोग वीडियो फोटो भी ले रहे हैं इसके साथ, तो इसका मतलब और ये भी यहाँ पर बीच बहुत साफ सुथरा तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ना सैंडी बीच नहीं है, ये पत्थर का ही बीच है। मैं देख रही हूँ प्रोमनेड बना हुआ है, यहाँ पर प्रोमनेड में बैठ के मजा लो बीच का। ये देखिए दोनों मिलके क्या करती रहती है हमेशा, राइली फिर उसको डर भी है कि डोंट मेक मी फॉल। देखिए क्या देख रही है। Think about it, but you hold me like you don't want to break. I need some space. तो ये देखिए क्या कितना सुंदर है ना, I love knees करके बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर actually knees में जो आए हैं आप लोग घूमने, वो actually यहाँ पर आके मतलब समझ में आता है, actually खेलने गई है। तो Instagram के लिए भी लोगे एक वीडियो। ये देखिए यहाँ पर राइली बदमाशी कर रही है, वहाँ पर लोग भीड़ के लोग खड़ी है, क्योंकि सब आई लव नाइस के सामने सब लोग फोटो खींचेंगे है ना। एनी ये देखिए व्यू, क्या व्यू है ना, सच में मेस्मराइजिंग। पानी 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 हर जगह पानी। लग रहा है कि यहाँ पर नीचे उतर के स्विमिंग करूं, लेकिन पानी काफी ठंडा है, देख के लग रहा है ना गर्मी है लेकिन पानी काफी ठंडा है। चलो यहाँ पर साइकिल का भी रेस होगा, इसलिए फ्लैग भी रखा है। दुकान ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ है, फ्रिज मैगनेट, लेकिन और कुछ नहीं है। ये देखिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ अंदर आके थोड़ा सा बीच से टूरिस्ट स्पॉट है, मतलब मार्केट सोविनियर शॉप हम लोग ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कहाँ पर सोविनियर शॉप मिलता है, कुछ तो लेकर जाऊंगी ना घर, मतलब एज अ मेमोरी। सामने सब लोग ऐसे बैठा है, सब लोग चील कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से देख रही हूँ मार्केट शुरू हुआ है, सब मार्केट है, फ्रेंच मार्केट है ना। लेकिन हम लोग मार्केट में घूमने नहीं आए हैं, सोविनियर शॉप देखने आए हैं। ये देखिए फाइनली सोविनियर शॉप मिल गई है मुझे, एंड ये देखिए अलग अलग सब नाइस का बैग भी मिल रहा है, फ्रिज मैग्नेट बहुत सारा, तो यहाँ से ही कुछ ले लूँगी इस दुकान से। चलो तो बेसिकली ये जो सोविनियर दुकान है हम लोग को बहुत मतलब ढूंढने के बाद मिली है। बेसिकली अगर आप लोग आना चाहते हैं यहाँ पर इस दुकान के अंदर, तो मैं एक्चुअली डायरेक्शन ऐसे बोल देती हूँ, जो समुंदर है ना नीस का, वो एकदम ऑपोजिट साइड में आप लोग जब पे क्रॉस करेंगे, तो अंदर जो मार्केट बैठता है नीस का,
तो यहाँ पर इस वहाँ पे आगे चल के आप लोग को ये दुकान दिख जाएगा। वहाँ पर काफ़ी सारी सोवेनियर शॉप है, जहाँ पर फ्रिज मैग्नेट, ये नीस का टोट बैग एंड पोस्ट कार्ड एंड अलग अलग वो जो होते सोवेनियर आइटम। तो मैं ये चेकआउट कर रही हूँ, इतना सुंदर अच्छा लगा मुझे, प्रोविंस लिखा है ये देखिए ना, फ्लावर का ये फ्रिज मैग्नेट पसंद आ गया और नीस का भी एक लूँगी एंड अगर चाहे तो टोट बैग भी ले सकती हूँ, मुझे टोट बैग भी कलेक्ट करना बहुत पसंद है जहाँ पर नीस लिखा होगा। एंड ये एक्चुअली मेमोरी के हिसाब से लेती हूँ हम लोग, ये हॉबीज़ भी कह सकते हैं, जहाँ पर नया जगह हम लोग एक्सप्लोर करने जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ हम लोग सोवेनियर आइटम खरीदते हैं। एंड हम लोग का बेसिकली मुंबई फ्लैट मेन में ना एक यूनिट बना है, क्रॉकरी यूनिट बनाया था, लेकिन वहाँ पर एक्चुअली सोवेनियर आइटम ही हम लोग कलेक्ट करके रखते हैं एंड डिस्प्ले में। एंड बेसिकली यहाँ से कुछ लेकर ही जाएंगे, इस दुकान से निकलेंगे। ये भी कितना सुंदर है प्रिंट, टी टॉवल होता है ना किचन टॉवल के हिसाब से यूज़ करते, ये बैग भी मिल रहा है। लेकिन हम लोग को जो यहाँ पर लाइन से सोवेनियर दुकान है, हम लोग को जो चाहिए था वो सब हो गया है, तो अभी हम लोग जाएंगे। चलो, ये जो देख रहे हैं ना इंस्टाग्राम में मैं देखती हूँ ऐसे सब अम्ब्रेला के साथ सान, ये सी बीच का फोटो अच्छा लगता है देखने में। सब देखिए कितना अच्छा रिलैक्स कर रहे हैं। एंड रायली थक गई है, रायली को एक टॉय चाहिए। अभी सोवेनियर आइटम खरीद लिया लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली था एंड ज़रूरत से ज़्यादा दामी था। एंड रायली अभी बोल रही कि उसको टॉय चाहिए, तो लेकिन हम लोग देखेंगे। ब्लेस यू। और वहाँ पर देखिए ना नीस का वो बस खड़ा है, ये टूरिस्ट लोग बैठेगा, हॉप इन एंड हॉप ऑफ जो वहाँ पर मिलता है वहाँ पर घुमा के, मतलब पूरा सिटी घुमाएगा बस से। हम लोग को तो पैदल ही अच्छा लगता है घूमना। एंड ये कुछ होगा मॉन्यूमेंट या फिर कुछ तो होगा, लेकिन पता नहीं गेट कुछ होगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर, यहाँ से देखते हुए बीच सब लोग सनबाथ ले रहे हैं। चेयर देख रहे हैं ना, ये सोवेनियर में देखी थी फ्रिज मैग्नेट में जब दुकान में गई थी, कुछ तो मीनिंग है यहाँ का नीस का, तो इंग्लिश में नहीं लिखा है। ये देखिए रायली स्टोन दे रही है, बोले खेलो स्टोन से, रेडी स्टेडी गो। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो मदद, क्या कर रहे हो? अभी हम लोग यहाँ पर समुंदर के बीच में, यहाँ पर मतलब सैंड सैंड नहीं रॉकी बीच के यहाँ पर रिलैक्स कर रहे हैं। एंड थोड़ा सा वो होता है ना यॉट जा रहा है देख रही हूँ, रायली खेल भी रही है एंड यहाँ पर बहुत अच्छा सा व्यू लग रहा है। एक तो प्लेन देख रही हूँ, प्लेन उड़ रही है, एक साइड में देख रही हूँ यॉट जा रहा है, शीप जा रहा है, ये सब मतलब ये सब देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। एंड मैं देखती हूँ कि समुंदर का जो कलर है ना, ये चार कलर में डिफ्रेंशिएट हो गया है, मैं देखती हूँ मतलब चार कलर में भाग हो गया है। हेलो नहीं, मुझे यहाँ पर बोलना चाहिए बोनजोर बोनजोर। यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, पत्थर के साथ खेल रही है रायली, अब खेल रही है उसके साथ साथ। एंड ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, समुंदर के चार कलर हो गया है और रायली बहुत खुश है। हाँ रायली डिमांड कर रही है कि कर रही थी कि समुंदर के यहाँ पर किनारे में बैठ के खेली थी, तो ठीक है खेलने देते हैं और हम लोग भी यहाँ पर मज़े लेते हैं। तो यहाँ से शायद केयर फोर में जाएंगे एंड वो बड़ा वाला में चर्च चलते हैं, याद रखो बड़ा वाला में चलते, वो छोटा वाला नहीं जाएंगे, बड़ा वाला चलो, वहाँ से वो ड्रिंक तो मिलेगा एंड रैली के लिए एक आइसक्रीम भी मिलेगी। एंड तो चलिए आज ब्लॉग देखते रहे, इससे इसके बाद हम लोग सोचते थे काफ़ी तो सुबह से घूमे थे, फिर हम लोग यहाँ से केयर फोर जाते रिटर्न करेंगे।
ये देखिए लाइफ गार्ड, डॉगी लाइफ गार्ड। अगर कोई डूबे का शार्क टैंक आ जाएगा बीच में तो ये सेव करेगा। डॉगी सेव कर सकता है, एकदम सेव करेगा यहाँ पर लोगों को। एंड आई रख रही ये डॉगी। एंड यहाँ पर देखिए अच्छा लग रहा है, यहाँ से व्यू आप लोग को दिखा रही हूँ। ये व्यू बहुत मिस करने वाली हूँ, है ना राजेश, पहाड़ का व्यू, यहाँ से पहाड़ का व्यू। एंड वहाँ से आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, वहाँ से होकर हम लोग यहाँ तक आ गए है ना। बहुत बहुत हम लोग पैदल चल सकते हैं, ये आप लोग को दिखाना चाहती थी। तो चलिए अभी भी बहुत चलना है बाकी है। नागी, ये वेरी रेड। अभी हम लोग का इवनिंग स्नैक्स चल रहा है, टीवी देखते देखते हम लोग चिप्स, यहाँ पर ये देखिए कप राइस एंड पुलेट कप राइस, ये देखिए कुकीज, रायली भी दिखा रही है, रायली नूडल्स एंड ये कुकीज, बनाना, चाय पी रही हूँ। ये सब कुछ खाने के बाद हम लोग वो थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। तो चलिए आज ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बाय फॉर नाउ।